नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इनकम टैक्स का बेसिक कोर्स लेकर आई हूँ। इनकम टैक्स जो है उसका कहीं ना कहीं हमको सामना करना ही पड़ता है, उसका थोड़ा बहुत नॉलेज तो सभी को होना ही चाहिए। ये चाहे स्टूडेंट्स हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई सैलरीड पर्सन हो, कोई रिटायर्ड पर्सन हो, सभी को इनकम टैक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। गवर्नमेंट को जो होता है बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं, डेवलपमेंट उनको करना होता है, जैसे कि चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी सेक्टर में उनको डेवलपमेंट करने के लिए उनको रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो रेवेन्यू कहाँ से आता है? तो रेवेन्यू का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो सोर्स है उनका टैक्सेस। टैक्स क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक कंपलसरी फी होती है जो कि व्यक्तियों पर, इंडिविजुअल्स पर या ऑर्गेनाइजेशन पर लगा दी जाती है कि आपके यदि आप इतनी कमाई करते हैं, आप यदि इतना एक्सपेंसेस करते हैं, तो आपको एक निश्चित परसेंट से आपको एक कंपलसरी फी है या फाइनेंशियल चार्ज है जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करना ही होता है। तो ये जो टैक्स होते हैं वो एक गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। अब टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, जैसा कि हमको नाम से ही लगता है कि किसी भी व्यक्ति की इनकम जो होती है, वेल्थ जो होती है, उसके ऊपर डायरेक्ट लगा दिया जाता है। डायरेक्ट लगा दिया जाता है इसका मतलब कि जैसे कि इनकम टैक्स है, इसमें इनकम टैक्स में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है तो उसकी जितनी इनकम होती है उस इनकम पर के इतनी इनकम यदि आपकी है तो आपको इतना टैक्स आपको देना ही है। तो ये आपकी इनकम के ऊपर डायरेक्ट लगा दिया था। आपको पता होता है कि आपको इतनी इनकम पे आपने इतना इनकम टैक्स देना है, इतना इनकम टैक्स दिया है। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स का लोड है वो आप किसी और व्यक्ति पे शिफ्ट भी नहीं कर सकते। ये आपको अपनी ही इनकम के ऊपर, या फिर यदि आप बिजनेस करते हैं तो अपने जो आपको प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पे आपको खुद को ही इनकम टैक्स देना होता है। तो जो टैक्सेस हमारे द्वारा खुद के द्वारा खुद की इनकम पर, खुद की वेल्थ पर दिए जाते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं कि हमको हमारी इनकम पर नहीं देना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जैसे कि जीएसटी होता है। क्या होता है कि जब भी हम कोई गुड्स का यूज करते हैं या सर्विसेज लेते हैं तो उस गुड्स या सर्विसेज की जो प्राइस हम पे करते हैं उस प्राइस में एक टैक्स की अमाउंट इंक्लूड रहती है। वो अमाउंट जो होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाती है। आपको पता भी नहीं होता है, मतलब इनडायरेक्टली हम कुछ भी यदि सामान खरीद रहे हैं या कोई सर्विसेज का यूज कर रहे हैं उस सभी के लिए हम जीएसटी का, इनडायरेक्ट टैक्स का हमको पेमेंट करना होता है। यदि कस्टम ड्यूटी होती है वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि वो उस वस्तु की कीमत में, सर्विसेज की प्राइस जो होती है हम जो पे करते हैं उसमें, उस प्राइस में वो इंक्लूड रहती है। अच्छा, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे मैंने डायरेक्ट टैक्स में बताया था कि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि हम हमारे जो टैक्स का लोड है वो किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर वो शिफ्ट होता है जो टैक्स की अमाउंट है। वो कैसे होती है, जैसे कि कोई गुड्स बना है तो मैन्युफैक्चर करेगा व्यक्ति, तो मैन्युफैक्चर क्या करता है कि मैन्युफैक्चरर ने जितनी अमाउंट टैक्सेस गवर्नमेंट को पे की है वो उतनी अमाउंट उसमें गुड्स की वैल्यू में जोड़ देगा और उसको जब वो होलसेलर को बेचेगा तो वो होलसेलर से जीएसटी की अमाउंट भी उससे वसूल कर लेगा। ऐसे जब होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो रिटेलर से होलसेलर क्या करेगा, वो जीएसटी की अमाउंट रिटेलर से वसूल कर लेगा। और फिर जब रिटेलर द्वारा लोगों को माल बेचा जाएगा, जो कंज्यूम करते हैं उस माल को उनको बेचा जाएगा, तो वो क्या करेंगे, रिटेलर उनसे जीएसटी की अमाउंट वसूल करेंगे, क्योंकि ये तो क्या करते हैं प्राइस बढ़ा देते हैं जितनी जीएसटी की अमाउंट होती है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स का लोड जो होता है एक दूसरे से शिफ्ट होता है और एंड में जाके इसका लोड जो होता है वो उस व्यक्ति पे पड़ता है जो उस व्यक्ति उस सामान का या उस सर्विस का यूज करता है। अब हम समझते हैं इनकम टैक्स क्या होता है। तो इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। अब कोई भी व्यक्ति है, एवरी पर्सन, सभी व्यक्तियों के ऊपर, सभी पर्सन के ऊपर प्रीवियस ईयर की जो टोटल इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको इनकम टैक्स कहता है। अब यहाँ पर हमको समझना जरूरी होता है कि पहली बात, एवरी पर्सन मतलब कौन कौन इंक्लूड होता है, किस किस पर इनकम टैक्स लागू होता है,
और फिर प्रीवियस ईयर की इनकम। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कैसे निकाल जाती है? और उसके टोटल इनकम पर क्या लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है। तो अब हमको यहाँ पर टैक्स क्या होता है, टोटल इनकम कैसे निकाली जाती है, प्रीवियस ईयर पर्सन, इन सबको हमको डिटेल में समझना होगा। सबसे पहले हम इनकम टैक्स लॉ के बारे में समझ लेते हैं। इनकम टैक्स लॉ में सबसे पहले आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इंडिया में जो इनकम टैक्स को लागू किया गया है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न करता है। हमारे इनकम टैक्स के जो भी प्रोविजंस है, जो भी सेक्शंस है, वो सब किस में है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब एक बार टैक्स इनकम टैक्स एक्ट तो बना दिया गया, अब उस एक्ट में क्या होते हैं? चेंजेस करने होते हैं, अमेंडमेंट्स करने होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो सेक्शन बनाई है वो सेम एक जैसी हमेशा ही चलती रहे। कभी किसी सेक्शन को खत्म किया जाता है, कभी उसमें और बढ़ाया जाता है उसकी क्राइटेरिया को। तो ये सब करने के लिए एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है? आपने सुना होगा हर साल हम वेट करते हैं कि बजट आ गया, देखते हैं कौन सी चीज सस्ती हो गई, किस पे टैक्स बढ़ गया, किस कौन सी चीज महंगी हो गई। तो जो बजट आप बोलते हो वो होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। बजट क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा हर साल फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट के बजट सेशन में प्रस्तुत किया जाता है। बजट सेशन में एक लाया जाता है, मतलब जितने भी उनको इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस करने होते हैं वो अपने फाइनेंस बिल के रूप में वो पार्लियामेंट के बजट सेशन में लाते हैं। फिर जब ये अमेंडमेंट जो होते हैं वो हर चेंजेस काय में करते हैं, ये इनकम टैक्स 1961 में किए जाते हैं। और जब ये जो बिल पास हो जाता है, जो फाइनेंस बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट के रूप में हो जाता है। हर साल जो होता है हमारे यहाँ बजट आता है उसमें कभी इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी किसी चीज पे टैक्स जो पहले किसी चीज पे अगर टैक्स नहीं लिया था, हो सकता उस चीज पे टैक्स लिया जा रहा है, जिस पे लिया जा रहा हो सकता उसको एग्जम्प्ट कर दिया था। तो ये सारे जो अमेंडमेंट एक्ट में किए जाते हैं वो एनुअल फाइनेंस एक्ट के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद आता है इनकम टैक्स रूल्स। ये जो इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया या फाइनेंस एक्ट बनाया गया, तो इसको लागू करने के लिए कोई डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। तो इसके लिए एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको सीबीडीटी कहा जाता है, उसको सीबीडीटी को पावर दिए गए हैं कि वो इनकम टैक्स को जो इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट है इनको लागू करवाए। तो इसके लिए सारे पावर किसके पास है? सीबीडीटी के पास है। सीबीडीटी क्या करता है कि रूल्स बनाता है कि हाँ इनको कैसे फॉलो करवाना है, इसके लिए क्या नियम होंगे, ये सब कौन करता है, इनको बराबर पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सब क्या कौन करता है? सीबीडीटी करती है। सर्कुलर नोटिफिकेशन। अब जैसे एनुअल फाइनेंस एक्ट आया, उसमें बता दिया गया कि इस चीज पर, इस वस्तु पर आपको 5% से टैक्स देना है। अब उस वस्तु का केवल क्राइटेरिया से छोटा तो नहीं होगा, उसके उससे रिलेटेड कई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती है। तो उन सबको सॉल्व करने के लिए सीबीडीटी द्वारा टाइम टू टाइम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए वो सर्कुलर इशू किए जाते हैं। तो सर्कुलर में क्या होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर हो जाए। फिर आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है? जैसे कि कोई भी चेंजेस, जैसे मैंने बताया कोई सेक्शन नई इंसर्ट कर दी जाती है, हटा दी जाती है, तो ये जो नई सेक्शन इंसर्ट किए है, हटानी, इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी, इसके लिए नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं। और नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन इशू करके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये बताया जाता है कि ये जो इफेक्ट्स हैं वो इस एक्ट के कब से इफेक्टिव होंगे, वो डेट इसमें बताई जाती है, वो होते हैं नोटिफिकेशन। इसके अलावा भी यदि कोई कन्फ्यूजन होते हैं तो वो लीगल डिसीजन आप कोर्ट से टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं उनको भी ध्यान में रख के लागू, जो भी डिस्प्यूट आते हैं उन सबको सॉल्व किए जाते हैं। तो ये हमने पूरा इनकम टैक्स लॉ कैसे बनता है वो समझा। हम समझते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है पर्सन के ऊपर। मैंने शुरू में आपको बताया था एवरी पर्सन पर, जब हमने इनकम टैक्स को समझा था तो एवरी पर्सन की टोटल इनकम पर लागू होता है। तो एवरी पर्सन, उस पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है? तो सेक्शन 231 जो है वो बताती है कि पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है। अच्छा, इनकम टैक्स के सेक्शन 2 में सभी की परिभाषाएं, डेफिनेशंस दी गई हैं।
तो पर्सन के अंदर आते हैं इंडिविजुअल्स, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये सभी क्या होते हैं, एक तरह से सभी को पर्सन में इंक्लूड कर लिया है, मतलब इन सबके ऊपर इनकम टैक्स लागू होता है। इनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इंडिविजुअल मतलब आप और हम, इंडिविजुअल मीन्स ओनली ए नेचुरल पर्सन। HUF की बात करें तो HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू में क्या, ये जो HUF है वो हिंदू एक्ट के द्वारा गवर्न होता है। जब कोई हिंदुओं के द्वारा एक फैमिली के, जो फैमिली के द्वारा, पूरी फैमिली के द्वारा कोई बिजनेस किया जाता है, जैसे कोई पुराना बिजनेस है या उनकी जो पुरानी प्रॉपर्टीज है जो कि उनको अपने विरासत में मिली हुई है और वो पूरा परिवार मिलकर उसको बिजनेस को चलाता है, बिजनेस को चलाता है या उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आती है, तो वो क्या करते हैं कि अपना HUF क्रिएट कर लेते हैं। तो जो अपने सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर जो HUF क्रिएट करते हैं तो वो उसकी भी इनकम टैक्स में एक अलग पहचान है। जैसे कि इंडिविजुअल पर, जैसे कि HUF के जो मेंबर्स होंगे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी इनकम टैक्स में उनको टैक्स पे करना है अपनी इनकम पर HUF की जो इनकम होती है, मतलब जो जैसे कि HUF का बिजनेस है तो उस बिजनेस की जो इनकम होती है वो HUF के रूप में भी टैक्सेबल होगी, यदि उन्होंने क्या कर रखा है, उस बिजनेस को अपने HUF में लिया हुआ, उन्होंने HUF को HUF बना रखा है। तो HUF जो है उसका एक अलग अस्तित्व होता है और जो फैमिली का हेड होता है उसको कर्ता बोला जाता है। और बाकी सभी जो जो मेंबर्स HUF में बर्थ, जिनका जन्म होता जाता है, वो सभी क्या इस HUF के मेंबर बनते जाते हैं। अब देखते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो होती है इसमें LLP भी जो है पार्टनरशिप फर्म में कवर होती है। फर्म होती है एज डिफाइंड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से जो पार्टनरशिप फर्म बनती है वो भी इसमें आती है। फिर एज डिफाइंड अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, LLP भी इसमें कवर होती है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। कंपनी, कंपनी जो होता है उसका लीगल अपना, एक कंपनी जो होती है शेयर होल्डर्स के द्वारा बनाई जाती है, उसका एक अपनी एक अलग ही पहचान होती है। तो कंपनी किसको, कोई नेचुरल पर्सन नहीं होती है, तो कंपनी का एक अलग अस्तित्व होता है। कंपनी के जो बिजनेस होते हैं उन पे जो इनकम टैक्स लागू होता है उसके लिए कंपनी खुद लाइबल होती है अपना टैक्स पे करने के लिए। जो कंपनी का भी क्या होता है, एक अलग अस्तित्व होता है। कंपनी में इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, पेरेंट एसोसिएट या सब्सिडी कंपनी, स्टेचरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एनी अदर सॉर्ट ऑफ कंपनी, सभी कंपनी में इंक्लूड होते हैं। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी क्या होती है, जो लोकल लेवल पर जो आसपास के क्षेत्र में काम करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाते हैं, जो कि ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, फॉर पब्लिक सर्विसेज, फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो लोकल अथॉरिटी भी इनकम टैक्स के लिए एक पर्सन है, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लागू होता है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, अगर इन सब कैटेगरी में भी यदि कोई लागू कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है तो उसके ऊपर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन लागू हो जाता है। मतलब कि अगर आप इन सब में नहीं आ रहे हो तो आप इसमें आ जाओगे, सभी पर इनकम टैक्स लागू होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बार काउंसिल है, यूनिवर्सिटीज है, कोई टेम्पल है, तो उस स्थिति में क्या है, इनका भी जैसे यूनिवर्सिटी, तो वो भी एक अपने आप में पर्सन होगी, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लागू हो जाता है। AOP BOI मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इनके ऊपर भी इनकम टैक्स लागू होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या होते हैं कि लोगों का ग्रुप मिलकर एक ग्रुप बना लिया जाता है। अच्छा, पार्टनरशिप AOP BOI में ये अंतर होता है कि पार्टनरशिप लगभग लंबे समय के लिए बनाई जाती है और AOP BOI के एक छोटे से किसी एक काम को पूरा करने के लिए ही जो है AOP BOI बनाए जाते हैं। और AOP में क्या होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन मतलब क्या, ये सभी जो फर्म कंपनी जो आ रही ना, ये सब मिलके एसोसिएशन आप बना सकते हैं। मतलब यदि AOP में कंपनी भी मेंबर हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी मेंबर हो सकती है, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में केवल नाम से ही लगता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, केवल इंडिविजुअल ही मिलकर BOI बना सकते हैं।
तो ये डिफरेंस है कि एओपी में सभी मेंबर्स हो सकते हैं, सभी पर्सन इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन बीओआई में सिर्फ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअली मेंबर्स हो सकते हैं। तो जो मेंबर्स मिलकर, अच्छा ये एओपी बीओआई बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो ये सब जो हमने देखे कौन थे, पर्सन थे जिनके ऊपर इनकम टैक्स लागू होता है। पैन नंबर, पान, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है, इनकम टैक्स में पैन नंबर इशू किए जाते हैं। ये एक जो आप इनकम टैक्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब के ऊपर पैन को लिखना जरूरी होता है। जो पैन नंबर होता है इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कर, जैसे आपके ऊपर यदि इनकम टैक्स लागू होता है तो आपके लिए जरूरी है कि आप पैन नंबर भी ले। ये क्या होती है, एक तरह से जैसे आधार आपकी खुद की पहचान, व्यक्तिगत पहचान होती है, वैसे पैन नंबर क्या है, आपकी इनकम टैक्स के अंदर आपकी एक पहचान है। जो पैन नंबर होता है, पैन कार्ड होता है, वो 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है जो आपको डिपार्टमेंट के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अलॉट किया जाता है। और ये पैन नंबर लेने के लिए आया तो आप अप्लाई करेंगे, यदि आपने अप्लाई नहीं किया तो डिपार्टमेंट खुद भी आपको इशू कर सकती है यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। और जितने भी इनकम टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, पेमेंट्स होंगे, टैक्सेस होंगे, असेसमेंट, डिमांड, रिफंड, सभी पर पैन नंबर होना जरूरी होता है। टोटल इनकम एंड टैक्सेबल, सॉरी टैक्स पेबल। अब हमने जैसे शुरू में इनकम टैक्स देखा था, हमने क्या अभी तक क्या समझा, हमने प्रीवियस टोटल इनकम जो है वो पर्सन व्यक्ति के ऊपर लागू होती है, और व्यक्ति जो पर्सन होते हैं उसको इनकम टैक्स की भाषा में बोला जाता है असेसी। तो अब हम समझते हैं कि असेसी क्या होता है। असेसी मीन्स अ पर्सन, देखिए असेसी मीन्स अ पर्सन। अच्छा पर्सन में वो सब इंक्लूड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है पर्सन में केवल इंडिविजुअली समझे। तो असेसी जो होते हैं इनकम टैक्स में जो कार्रवाई होती है, जो उसमें एक असेसी वर्ड का यूज होता है, तो असेसी पर इनकम टैक्स लागू होता है। और असेसी में कौन इंक्लूड होता है, पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। असेसी में क्या क्या कौन कौन इंक्लूड होंगे, सभी पर्सन इंक्लूड होंगे, कौन कौन से, चाहे उनको टैक्स देना हो, इंटरेस्ट देना हो, पेनल्टी देना हो, किसके अंतर्गत, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, यदि उनकी कोई लाइबिलिटी बन रही है अपने इनकम पर, या फिर किसी भी रूप में उनको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है तो वो असेसी के रूप में कहलाए जाएंगे। फिर या यदि उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, चाहे जैसे कि मान लो कि आपने तो ना तो पैन नंबर लिया, नहीं आपको इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो फिर डिपार्टमेंट के द्वारा आपको ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, तो उस दौरान आप उस तब भी आप क्या होते हैं, असेसी माने जाते हैं। डीम्ड असेसी भी असेसी की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। डीम्ड असेसी मतलब क्या होता है कि यदि हो सकता है कि किसी और का टैक्स पे करने के लिए आपको लीगली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो डीम्ड असेसी आपको माना जाएगा, तो आपके ऊपर भी इनकम टैक्स से प्रोविजन लागू हो जाते हैं। डीम्ड असेसी मतलब जैसे कि कोई एल्डेस्ट सन है, या फिर कोई लीगल हायर है ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन हु हैज एक्सपायर्ड, कोई व्यक्ति एक्सपायर्ड हो गया विदाउट राइटिंग, उसने अपनी विल भी नहीं लिखी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका लीगल हायर जो होता है या एल्डेस्ट सन जो होता है उसको डीम्ड असेसी मान लिया जाता है, और सारी जो लीगल फॉर्मेलिटी, जो लीगल कार्रवाई होती है इनकम टैक्स की, वो सब करने के लिए कौन होगा, जो उसका लीगल हायर होता है। तो ये एक तरह से वो खुद की इनकम पे नहीं दे रहा, लेकिन वो उसमें क्या कहलाएगा, डीम्ड असेसी। असेसी इन डिफॉल्ट, यदि कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स का पालन करने में डिफॉल्ट करता है तो भी वो असेसी इन डिफॉल्ट कहलाएगा, इस और असेसी की डेफिनेशन में आ जाएगा। असेसी इन डिफॉल्ट का एग्जांपल अगर ले, जैसे कि किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको टीडीएस डिडक्ट करना था, लेकिन उस व्यक्ति ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो फिर वो क्या होगा, असेसी इन डिफॉल्ट में काउंट होने लगेगा। रिप्रेजेंटेटिव असेसी, यदि किसी हम थर्ड पर्सन की इनकम के ऊपर टैक्स देने के लिए लाइबल हैं, तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी के रूप में भी आपको, असेसी के रूप में आपको इंक्लूड किया जाएगा और रिप्रेजेंटेटिव असेसी कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो फॉरेन में रहता है,
वो सालों से फॉरेन में, लेकिन उसकी इंडिया से कोई इनकम है, तो अब उसको इंडिया की इनकम पर भी टैक्स देना है, तो वो आपको किसी अपने जो यहाँ पे रिलेटिव है इंडिया में उनको अपॉइंट कर देता है कि आपको जो मेरी इनकम के से रिलेटेड सारी कार्रवाई करनी, वो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव एसईसी के रूप में नियुक्त कर देता है। तो फिर आप क्या होंगे, इस इनकम टैक्स के लिए आप रिप्रेजेंटेटिव एसईसी होंगे और आपके ऊपर सारे प्रोविजन लागू हो जाएंगे। तो ये हमने समझा कि असेसी क्या होते हैं, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। असेसमेंट, अब हम समझते हैं कि असेसमेंट क्या होता है। तो दिस इज द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइंड। इट मे बी बाय वे ऑफ अ नॉर्मल असेसमेंट और बाय वे रीअसेसमेंट ऑफ अ इनकम प्रीवियसली असेस। असेसमेंट जो होती है प्रोसीजर होती है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। इसमें आपकी इनकम को असेस किया जाता है, फिर उस बेसिस पे टैक्स निकाला जाता है या रिफंड इश्यू किया जाता है। जितनी भी कार्रवाई, चाहे असेसमेंट हो, रीअसेसमेंट हो, चाहे जरूरी नहीं कि आपके द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाए, आपके द्वारा रिटर्न फाइल किया जाए और उस पर जो कार्रवाई हो वो असेसमेंट हो, अगर डिपार्टमेंट के द्वारा खुद के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है तो वो भी असेसमेंट ही कहलाएगा। मतलब कि आपकी इनकम से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो पूरे आपकी, जब तक वो कार्रवाई चलती है, वो केस वो जो बंद नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए वो, ये हर साल के लिए होता है, हर साल में आपकी इनकम है उसके ऊपर आपको असेस किया जाता है, तो वो सब असेसमेंट जो है फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है कि आपके ऊपर क्या लाइबिलिटी है या क्या रिफंड है, वो सब, तो वो असेसमेंट कहलाता है। हमने देखा था कि टोटल इनकम, देखिए हमने अगर यहाँ पर देखा हो कि प्रीवियस ईयर ऑफ असेसी, असेसी मतलब पर्सन इसमें इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से असेसी होते हैं हमने देख लिए। अब बात आती है कि असेसी की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम का क्या मतलब होता है। इनकम टैक्स में होता है असेसमेंट ईयर जिसको ए वाई भी बोला जाता है, प्रीवियस ईयर पी वाई, एक होता है फाइनेंशियल ईयर एफ वाई। प्रीवियस ये इनकम टैक्स में क्या कॉन्सेप्ट चलता है कि एक साल आप कमाओ और एक साल हमको टैक्स दो। इसका मतलब ये है कि यदि आपने एक साल इनकम जो अर्न करते हैं उसका टैक्स आपको अगले साल देना होता है, उस इनकम के ऊपर टैक्स आपको अगले साल देना होता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर है कि अच्छा फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल क्या होता है, इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर चलता है, कैलेंडर ईयर नहीं चलता है। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का समय होता है वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे कि आपने 1 अप्रैल 31 मार्च, अभी हम बात करें करंट ईयर की, तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक जो भी आप इनकम अर्न करेंगे ये क्या कहलाएगी। इस साल आप इनकम अर्न कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23, तो जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो कहलाता है आपका प्रीवियस ईयर। और ये जो 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 के जस्ट बाद जो आता है, मतलब 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 जो उसके अगला साल जो आएगा वो कहलाता है असेसमेंट ईयर। एक साल कमाओ एक साल चुकाओ, मतलब क्या है, एक साल जो 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 जो था प्रीवियस ईयर, उसमें तो आपने इनकम अर्न की है, आपने कमाया है, और इस साल की इनकम पर आपको अगले साल 1 अप्रैल 2023 से जो 31 मार्च जो 24 है वो साल आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। और उस असेसमेंट ईयर में आपको पिछले 12 महीने में प्रीवियस ईयर में जो आपने टोटल इनकम थी आपकी उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन यदि कोई अच्छा नया बिजनेस सेटअप हुआ है आपका किसी साल में, तो फिर प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा, जिस डेट से वो आपने बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे कि मान लीजिए, जैसे तो 1 जुलाई से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का आपका प्रीवियस ईयर होगा। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। लेकिन अच्छा, ये प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर सेम ही होते हैं, लेकिन जब कोई नया बिजनेस सेटअप होता है तो उस साल में क्या होता है कि जिस तारीख से बिजनेस स्टार्ट हुआ वो उसका प्रीवियस ईयर होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या समझा कि प्रीवियस ईयर में हमने जो कमाया है उसके ऊपर हमको टैक्स देना है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। मतलब कि हमने तो यह कहा कि हमको प्रीवियस ईयर में कमा और अगले साल हम आपको टैक्स देना, लेकिन कुछ स्थितियां एक्सेप्शन है जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर में कमा के प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना होता है। जैसे कि
शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, यदि कोई शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन कोई नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस चलाता है तो उसको उस प्रीवियस ईयर मतलब कि जैसे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 में जो इनकम अर्न की उसको इसी साल आपको इनकम टैक्स भी उस पर इनकम पर देना होगा। पर्सन लिविंग इंडिया, यदि कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ता है तो भी उसको जिस समय छोड़ता है उसी वक्त उसको जो उसी प्रीवियस ईयर में उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट या पर्पज, यदि कोई एओपी बीओआई या कोई भी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है जो कि सिर्फ एक छोटे से किसी एक पर्टिकुलर एक ही इवेंट या पर्पज के लिए बनाए गए हैं तो वो उनका जो पर्पज है वो सिर्फ छोटा ही होता है तो वो जिस साल वो कमाते हैं उसी साल उनको उसी साल में ही उनको टैक्स देना होता है। पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, यदि कोई व्यक्ति है जो जानबूझकर इनकम टैक्स बचाने के लिए अगर इनकम टैक्स को लग जाता है कि वो व्यक्ति इनकम टैक्स बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी वक्त उससे इनकम टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, वो नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करते हैं। डिसकंटिन्यू बिजनेस, यदि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है तब भी आप प्रीवियस ईयर में ही आपका असेसमेंट आपकी जो है वो लाइबिलिटी आ जाती है। चलिए एक हमने डेफिनेशन में देखा था कि असेसी की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर, अब इनकम क्या क्या होती है इनकम की डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। तो इनकम इज द मनी रिसीव्ड बाय अ पर्सन, अच्छा पर्सन में सभी आएंगे। इनकम इंक्लूड्स मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ अलाउंसेज एंड परक्विसाइट्स, ऑल इनकम इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स अनलेस एक्सप्रेसली एग्जम्प्टेड, जब तक कि उनको किसी इनकम को एग्जम्प्ट नहीं किया जाता है सभी इनकम क्या होती है टैक्सेबल होती है। और इनकम में मॉनेटरी और साथ साथ नॉन मॉनेटरी दोनों ही इनकम आपकी इंक्लूड कर लेते हैं। मॉनेटरी कौन सी जिसमें आपको मनी मिल रही है, नॉन मॉनेटरी कैसी जैसे कि यदि आप सैलरीड पर्सन है आपको अपने एम्प्लॉयड से इंटरेस्ट फ्री लोन मिला हुआ है, अब वो जो इंटरेस्ट फ्री लोन मिला हुआ है तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है तो वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पे नहीं करना है ना तो इनकम टैक्स के लिए वो भी आपकी इनकम है, वो आपकी नॉन मॉनेटरी वैल्यू हो गई, आपको वो अमाउंट भी आपकी परक्विसाइट्स मान ली जाती है और वो भी इनकम में जोड़ दी जाती है। तो इनकम क्या है, जहां जहां भी आपको प्रॉफिट हो रहा है लाभ हो रहा है इनकम हो रही है वो सभी इनकम के दायरे में आ जाती। अच्छा उसके कुछ एग्जांपल आपको मैं बता रही है, ये लिस्ट जो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इनकम आएगी, इसके अलावा भी सभी इनकम बहुत सारी इनकम आती है, मैं से जो मेन मेन इनकम है और एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिस्ट बता रही हूँ कि इनकम में जैसे सैलरी है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, डिविडेंड यदि आपको मिलता है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ट्रस्ट, ट्रस्ट है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उन सबको यदि कोई वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है तो वो उनकी इनकम हो जाएगी। परक्यूसाइट्स है, स्पेशल अदर अलाउंसेस, जैसे आपको जॉब में देखा होगा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं वो सब भी इनकम होते हैं। एनी सम पेड बाय द कंपनी टू द असेसी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल गेन, जैसे अभी मैंने बताया था कि आपने लोन लिया है उसके ऊपर आपको यदि आप इंटरेस्ट फ्री लोन आपको मिल जाता है तो ये भी सब क्या होते हैं जो है आपको इनकम में काउंट हो जाते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज मतलब आप रेगुलर बिजनेस ना करके कोई और इनकम भी आपकी हो जाती है, जैसे मान लो कि आपने कोई कमीशन इनकम आपकी हो गई, कोई लॉटरी टिकट से आपकी इनकम हो गई है, कोई आपने कोई जो गेम जीत लिया उसमें आपकी इनकम हो गई, तो ये सब अदर सोर्सेज की इनकम भी आपकी इनकम में काउंट होती है। डीम्ड प्रॉफिट भी आपका इनकम माना जाएगा। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या होता है, यदि कोई आपने कैपिटल असेट्स ट्रांसफर किए जैसे कि लैंड बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, मशीन्स है, ये सब आप ट्रांसफर करते हैं उसके पे जो कैपिटल गेन होता है वो भी आपका एग्जम्प्ट होता है। कैपिटल गेन मतलब कैपिटल असेट्स को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन बोला जाता है। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स, कोई भी गेम लॉटरी इन सब में जीतने पे भी जो आपको अमाउंट मिलती इनकम होती है वो भी टैक्सेबल है। असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सिडी या ग्रांट या केस, कोई आपको सब्सिडी मिलती है, केस इंसेंटिव या ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक और वेवर और कंसेशन और रीइंबर्समेंट होता है, ये सब भी इनकम में इंक्लूड होते हैं। एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के या बराबर कम कंसिडरेशन के भी यदि कोई चीज मिलती है तो भी वो आपके इसमें
इनकम में जोड़ दी जाएगी। जैसे कि गिफ्ट के में आपने सुना हो तो कि गिफ्ट मिलने पर भी क्या होता है, उसको भी इनकम के रूप में मान लिया जाता है। अच्छा, कुछ सोर्सेज होते हैं अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। कभी कभी क्या होता है कि आप इनकम को बताते नहीं है, वो आप ना तो इनकम आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसके सोर्स को नहीं बता पाते। इनकम टैक्स में जरूरी होता है, जैसे कि आपने बहुत बड़े बड़े एक्सपेंडिचर किए हैं, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, या इन्वेस्टमेंट आपने कोई बड़े एक्सपेंडिचर किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं और वो इन्वेस्टमेंट आपने पूरी तरह से डिस्क्लोज भी नहीं किए हैं, अनएक्सप्लेन्ड मनी आपके पास कुछ पैसा ऐसा है जो कि आपको आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि पैसा कहाँ से आया है, फिर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं, आप पर यह नहीं बता पा रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए पैसा कहाँ से आया, कैश क्रेडिट है, कोई अमाउंट बोरोड और रिपेड हुई है हिंदी पे, पर आप ये नहीं बता, बस कुल मिला के अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, मतलब ये जो इनकम आप जो एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपके पास पैसा है, ये सब कहाँ से आया उसका सोर्स अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो ये अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है। और इन सब पर भी आपको क्या करना है, इनकम आपकी इनकम में सब जुड़ जाएंगे और इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होगा। यदि आप किसी भी एक्सपेंसेस का सोर्स या पैसों का सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो भी वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है। रिटर्न ऑफ इनकम, अब आपने इनकम तो आपने समझ ली कि इनकम क्या होती है, लेकिन यदि आपके ऊपर इनकम टैक्स लागू होता है, ऐसा नहीं है कि सारी इनकम पे ही टैक्स लगता है, कुछ एग्जम्पशन लिमिट भी होती है, वो सब भी अभी हम आगे समझेंगे। तो अब उसके लिए अभी सारा जो होता है पूरे इनकम का फॉर एक रिटर्न क्या होता है वो समझना है आपको। क्या होता है कि हर असेसी को जो भी अपनी इनकम है उसके ऊपर टैक्स है, वो सबके लिए आपको एक रिटर्न फाइल करना होता है, जिनको कि इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। वो अलग अलग एक फॉर्मेट होता है इन विच द असेसी फर्निश द इंफॉर्मेशन एज टू हिज टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। ये एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपको अपनी टोटल इनकम और टैक्स कितना बन रहा है वो सब उसमें आपको डिक्लेयर करना होता है। और एक्ट में ये भी ड्यू डेट भी दी हुई होती है कि आपको वो जो रिटर्न ऑफ इनकम, जैसे मैंने बताया कि आपको प्रीवियस ईयर इनकम पर नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको रिटर्न कब तक फाइल करना है वो भी ड्यू डेट आप लोगों को दी जाती है। और ये सब असेसी डिफरेंट असेसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कंपनी एंड फर्म के लिए तो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है बिफोर द ड्यू डेट, अदर असेसी आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, लेकिन कंपनी और फर्म जो है उनको तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही है, चाहे उनका प्रॉफिट हो या लॉस हो या कुछ भी हो। लेकिन इनकम सब्जेक्ट, लेकिन दूसरे जो असेसी है उनकी यदि उनके साथ कुछ कंडीशन होती है, वो यदि कंडीशन फुलफिल होती तभी उनको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा 31 जुलाई जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है उनके लिए, इंडिविजुअल्स जो हैं HUF जो उनके ऑडिट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है उनके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट होती है। फर्म जो है जो इनके ऊपर टैक्स ऑडिट लागू नहीं हो रहा है, और जिनके लिए टैक्स ऑडिट लागू होता है उनको 30 सितंबर तक जो है अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं। ड्यू डेट, अच्छा ये ड्यू डेट चेंज भी होती रहती है, अभी जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये डेट्स चेंज भी होती रहती है। और चेंज कैसे होगी, उसके फाइनेंस एक्ट के द्वारा, फाइनेंस बिल जो लाया जाता है उसके द्वारा, फाइनेंस एक्ट के द्वारा ये सब चेंज भी होते रहते हैं। टाइम टू टाइम आपको देखना पड़ेगा कि अभी जो आप जिस साल की बात कर रहे हैं उस साल में क्या हो रहा है। अच्छा, मैं जो बार बार इनकम वर्ड यूज कर रही हूँ ना, तो एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, इनकम के अंदर लॉस भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकम ही है, यदि लॉस भी है तो वो इनकम का एक इनकम की तरह ही माना जाएगा। मतलब वो क्या होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, तो वो इनकम से लॉस सेट ऑफ हो जाते हैं। तो हर साल हमको अपनी प्रीवियस ईयर की इनकम के लिए असेसमेंट ईयर में टैक्स तो देना होता है, तो इसके लिए हमको जो रिटर्न ऑफ इनकम जो रिटर्न जो बताना जो फॉर्मेट होता है वो ITR कहलाता है। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। ITR जो होते हैं वो 7 फॉर्म के रूप में है, सबकी इनकम के हिसाब से असेसी वाइज अलग अलग ITR लागू होते हैं, सभी पे ऐसा नहीं है कि कोई कैसा भी भर दे। जैसे कि ITR 1 और 2 जो होते हैं वो सैलरीड के लिए होते हैं, इसमें बिजनेस की इनकम वाले नहीं फाइल कर सकते हैं। ITR 3 और 4 जो होते हैं वो बिजनेस इनकम वाले फाइल कर सकते हैं, जैसे कि ITR 3 जो होता है बिजनेस की इनकम के लिए होता है, या शेयर मार्केट से ट्रांजेक्शन है उसके लिए होता है। ITR 4 जो होता है प्रेजेंटिव इनकम के लिए होता है।
ITR 5 फर्म की इनकम के लिए है, ITR 6 कंपनी की इनकम के लिए, और किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उनके लिए क्या होता है, ITR 7 होता है। और इनको डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप जरूर देख ले, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कब कौन सा ITR फॉर्म सबमिट करना होता है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो ये तो हमने समझ लिया कि ITR फाइल करना होता है। ITR में जो होता है कि सबसे पहले अब क्या होता है, आपको टोटल इनकम निकालना होती है, उसी टोटल इनकम पर फिर आपका टैक्स बनता है। ये सब इंफॉर्मेशन किस में जाएगी, ITR में। तो अब सबसे जो मेन पार्ट आता है वो होता है कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सारा खेल किस पे है, प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर। प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर ही हमको इनकम टैक्स देना होता है। तो टोटल इनकम कैसे निकालते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप अब समझेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में देखना है डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना होता है कि उस प्रीवियस, अच्छा ये जो चीजें हम देखेंगे ना ये हर साल चेंज हो सकती है, जैसे ITR फॉर्म भी चेंज हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि अभी आपकी इस साल सैलरी की इनकम है तो आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं, लेकिन बाद में यदि आपकी बिजनेस की इनकम भी हो जाती है साथ में तो आपको ITR 4 या ITR 3 भी फाइल करना पड़ेगा। तो इस तरह से हर साल आपके ITR भी चेंज होंगे, हर साल आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का कंप्यूटेशन भी बनाना होगा, लेकिन ये बनेगा किसके लिए, प्रीवियस ईयर की इनकम के लिए। तो जब हम ITR फाइल करते हैं तो इन सब चीजों की हमको रिक्वायरमेंट होती है, कैसे निकालना है। अच्छा मैं आपको इतना, आप सोचे नहीं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड या कुछ भी, मैं आपको इजी वे भी बताऊंगी वीडियो में लास्ट में कि आप कैसे आप ये सब इनकम वगैरह टोटल इनकम टैक्स आप कैसे इजीली निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी विद इन 2 मिनट्स आप अपनी टोटल इनकम भी निकाल सकते हैं, टैक्स भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि ये टोटल इनकम आती कैसे है, तो इसलिए आप ये समझ ले कि कैसे टोटल इनकम आती है, बाकी कैलकुलेट कैसे करना है वो हम बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना होता है रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि रेसिडेंट पर अलग टैक्स स्लेब कहें या फिर अलग सरचार्ज लागू होते हैं इनके रेसिडेंस के केस। रेसिडेंशियल स्टेटस जैसे कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट होंगे तो उनकी इंडियन इनकम के साथ साथ फॉरेन इनकम पर भी टैक्स, फॉरेन इनकम पर भी टैक्स लगता है। नॉन रेसिडेंट है तो केवल इंडियन इनकम पर लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, आप रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस को भी हम अभी समझ लेते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेसिक कंडीशन होती है। बेसिक कंडीशन, दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज आर मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब जिसके लिए हम टोटल इनकम निकाल रहे हैं, जिसके लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस ईयर में आप 182 दिन या उससे ज्यादा रहे हैं। या फिर सेकेंड कंडीशन है ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेकेंड कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन या उससे ज्यादा रहे हुए और एंड देखिए एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस। प्रीवियस ईयर के पहले के जो 4 साल है उसमें टोटल आप 365 दिन रहे हो, 4 साल में कितने 365 दिन और प्रीवियस ईयर में 60 दिन। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती तो आपकी सेकेंड कंडीशन में एक तरह से 2 कंडीशन है। तो इन दोनों कंडीशन में यदि एक भी कंडीशन पूरी कर लेते हैं तो आप रेसिडेंट कहलाएंगे, और यदि आप एक भी कंडीशन पूरी नहीं करते हैं तो आप नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। सिंपल है, यदि आपने एक कंडीशन भी पूरी की तो क्या आप कहला देंगे, रेसिडेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे यदि नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं तो ठीक है, इसके आगे की एडिशनल कंडीशन आपको देखना ही नहीं है क्योंकि आप क्या हो गए, नॉन रेसिडेंट, यहीं से क्लियर हो गया। अब आप रेसिडेंट मान लो कि आपने एक कंडीशन इन दोनों में से पूरी कर ली तो आप क्या हुए, रेसिडेंट। यदि आप रेसिडेंट हो गए तो उसके आगे फिर होता है रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होता है और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। तो इसके लिए कैसे डिसाइड करेंगे कि वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है नॉट ऑर्डिनरी, तो इसके लिए आपको एडिशनल कंडीशन देखनी होगी। एडिशनल कंडीशन, 2 कंडीशन है।
फर्स्ट कंडीशन है ही इज अ रेसिडेंट इन एटलीस्ट टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस ईयर प्रीसेडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस. जो प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के पहले के 10 प्रीवियस ईयर मतलब 10 सालों में, प्रीवियस ईयर के भी पहले के 10 सालों में कम से कम 2 साल आप रेसिडेंट रहे हो. यह ध्यान रखिएगा रेसिडेंट रहे हो मतलब कि आपने कम से कम 2 साल में इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी की है 2 साल के लिए. तो आप 2 साल में क्या हो रहे हो, आप रेसिडेंट रहे हो. इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल आप 365 दिन रहे हो, इसका मतलब ये कि 2 साल किसी भी 2 साल में आप रेसिडेंट रहे हो मतलब किसी भी 2 साल में आपने इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी की हो. ही स्टेज इन इंडिया इन द लास्ट 7 ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 730 डेज और मोर. या फिर जो सेकेंड कंडीशन है वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में आप 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हुए हों. अब ये जो 2 कंडीशन है इन 2 में से बेसिक कंडीशन में से आप एक कंडीशन पूरी करते तो आप रेसिडेंट हो जाते, एक भी नहीं करते तो नॉन रेसिडेंट, आपकी बात यही खत्म हो गई. अब आप बात आती है रेसिडेंट है और रेसिडेंट के साथ यदि आपने दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली है, दोनों एडिशनल कंडीशन आपने पूरी की है तो आप क्या होंगे, रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. और यदि मान लीजिए कि आपने ये एक कंडीशन पूरी की है या दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं की है तो आप रेसिडेंट तो होंगे क्योंकि आपने एक कंडीशन ऊपर की पूरी की है, लेकिन रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आप कहलाएंगे. ठीक है, मतलब ये दोनों कर इसके साथ साथ फर्स्ट बेसिक एक बेसिक कंडीशन के साथ आपको 2 एडिशनल कंडीशन पूरी करने पे ही आप रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होंगे, या फिर यदि एक दोनों कंडीशन पूरी नहीं करते हैं तो आप रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो जाएंगे. ठीक है, ये तो हमने रेसिडेंट का देख लिया, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है. अच्छा ये देख लेते हैं ऐसा क्यों निकालते हैं. यदि आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हैं तो आपको क्या है, इसके लिए आपको वही बात है कि एटलीस्ट कम से कम 1 बेसिक कंडीशंस और दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी है. जो मैं पहले ही ये चीजें तो आपको पहले ही बताया, नॉन रेसिडेंट कौन है जो एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करे और एक बेसिक कंडीशन पूरी करे और एडिशनल एक या दोनों ही पूरी ना, एक पूरी करे या दोनों ही पूरी ना करे तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएंगे. इसके अपवाद सेकेंड ऑफ बेसिक कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन 2 दी है ना उसमें से जो सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन है, कौन सी वाली सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन, ये वाली जो बेसिक कंडीशन है 60 डेज और 365 डेज वाली, ये लागू नहीं होती किसी के ऊपर. उनके ऊपर सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन लागू होती, कौन सी, 182 डेज वाली. वो कौन सी है, वेयर एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप. यदि कोई व्यक्ति Who lives India during the previous year for the purpose? यदि कोई outside India के employment के purpose के लिए previous year में रहता है या फिर वो Indian ship का crew member है तब उसके ऊपर सिर्फ first वाली basic condition ही लागू होगी resident के लिए. ठीक है, केवल एक ही condition से आप समझ पाएंगे कि उनके लिए second basic condition का option नहीं होगा. या फिर वेयर एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट. कोई व्यक्ति इंडियन ओरिजन है या इंडियन सिटीजन है जो कि आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है विजिट टू इंडिया, इंडिया में विजिट करने के लिए आता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, जिसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेज से इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो उसके ऊपर भी क्या है, बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन ही लागू होती है. अब एन इंडियन सिटीजन आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन हु बींग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. जो अभी हमने देखा था उसमें क्या देखा था आपने, 15 लाख से कम यदि होती है तो उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन लागू होती है बेसिक कंडीशन. यदि कोई व्यक्ति आउटसाइड इंडिया से जो कि इंडियन सिटीजन का, इंडियन ओरिजन हो या इंडियन सिटीजन का हो, वो इंडिया में विजिट करने प्रीवियस ईयर में आता है, जिसकी फॉरेन सोर्सेज से इनकम छोड़ के 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम प्रीवियस ईयर में होती है तो वो रेसिडेंट होगा उसके ऊपर. अच्छा इस केस में क्या हो रहा है, रेसिडेंट की डेफिनेशन चेंज हो रही, इसके ऊपर इन 2 में से वो एक कंडीशन पूरी करेगा तो वो रेसिडेंट कहलाएगा. कौन कौन सी, एक तो पहली कंडीशन वही 182 डेज आर मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
या फिर और देखिए, या फिर 120 डेज आर मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में 120 दिन से ज्यादा, या फिर 365 दिन या मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसेडिंग द प्रीवियस, या प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में उसने 365 दिन और 365 दिन रहा हो और प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा हो, 120 दिन से ज्यादा रहा हो, तो ये दोनों कंडीशन में से यदि एक कंडीशन भी व्यक्ति पूरी कर लेता है तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन ये किसके ऊपर लागू हो रहा है, जिनकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, और 15 लाख से रुपए कम है तो उसके लिए तो क्या है, सिर्फ वो फर्स्ट वाली कंडीशन ही होगी पूरी, उसको तभी वो रेसिडेंट कहलाएगा। अब इसको आप टोटल इनकम देख लेते हैं, ये सब हमने क्यों निकाल रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, वो आपको अब समझ में आएगा। यदि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो उसके ऊपर ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, सभी इनकम, चाहे वो इनकम सोर्स उसका इंडिया से हो, आउटसाइड इंडिया से हो, कहीं से भी है, सारी इनकम पर ग्लोबल इनकम इज टैक्स, उसके हाथों में सारी इनकम जो है उसकी टैक्सेबल होगी। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो उस कंडीशन में उसकी इंडिया से होने वाली इनकम तो टैक्सेबल होगी ही सही, लेकिन इंडिया के बाहर की भी इनकम टैक्सेबल होगी यदि बिजनेस कंट्रोल्ड इन आर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, यदि जहां से उसकी इनकम हो रही है वो बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन सेटअप जो है वो इंडिया में है, तो फिर उसकी फॉरेन की मतलब आउटसाइड इंडिया की इनकम भी जो है टैक्सेबल होगी। यदि नॉन रेसिडेंट है तो उसके ऊपर नॉन रेसिडेंट के केस में सिर्फ इंडिया से होने वाली इनकम भी उसके लिए टैक्सेबल होगी। तो ये डिसाइड करने के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी कौन सी नहीं होगी, इसलिए हमको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना जरूरी होता है। अब हम अभी जो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस देखा था किसका देखा था, इंडिविजुअल का देखा था, अब हम HUF का देखते हैं। एक HUF जो है वो इंडिया रेसिडेंट कब कहलाएगा, यदि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से आंशिक रूप से जो है इंडिया में है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, और यदि उसका मैनेजमेंट जो है आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। अच्छा, जो HUF का करता होता है ये तो क्या हो गई, बेसिक कंडीशन के हिसाब से, मतलब बेसिक कंडीशन नहीं देख रही, इनको सिर्फ क्या देखना है, कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना है। यदि वो थोड़ा सा भी इंडिया में है तो वो क्या हो गई, रेसिडेंट हो गया HUF, या फिर अगर वो नहीं पूरी तरह से बाहर है तो फिर वो क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। अब यहाँ पे भी HUF के ऊपर रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट की वाली बात भी लागू होती है। यदि जो करता है वो जो एडिशनल कंडीशन हमने शुरू शुरू में देखी थी ना, वो कौन सी वाली, ये जो एडिशनल कंडीशन हमने दो देखी थी वो कि वही HUF पे भी लागू होती है। इन दोनों में से दो कंडीशन, यदि दोनों कंडीशन कर्ता के द्वारा, HUF का जो कर्ता होता है उसके द्वारा पूरी कर ली जाती है तो उनके ऊपर वो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाते हैं, और यदि वो एक भी कंडीशन पूरी नहीं, एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर पाते तो वो क्या होंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएंगे। फर्म के केस में यदि कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से आंशिक रूप से इंडिया में है तो वो रेसिडेंट होगा, और यदि कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया में है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। कंपनी के केस में कंपनी रेसिडेंट तब होगी यदि वो या तो एक इंडियन कंपनी है, या फिर यदि वो इंडियन कंपनी नहीं है पर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है, उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में है, तब उस कंपनी क्या होगी, वो रेसिडेंट होगी। और यदि वो इंडियन कंपनी नहीं है या फिर उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया से बाहर है तो फिर वो नॉन रेसिडेंट होगी। चलिए, पहली जो बात थी हमारी टोटल इनकम निकालने की, वो हमने समझी कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफाई इनकम अंडर 5 हेड्स। इनकम टैक्स में क्या होता है, अब हमको इनकम को अलग अलग हेड वाइज हमको दिखाना होता है। कैसे, उसमें 5 हेड में इनकम को बांटा जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यदि इनकम की और प्रॉफिट की बात करें तो उसमें लॉसेस भी इंक्लूड होते हैं, ऐसा नहीं कि आप लॉस को इग्नोर कर दें।
ठीक है, जहां पे इनकम की बात आ रही है वहां पे लॉस भी इंक्लूड होंगे। अब ये पांच हेड में इनकम आती है, इनको भी हम समझ लेते हैं। देखिए इनकम अंडर द हेड सैलरी, सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या आता है, सैलरी है, यदि कोई पेंशन मिल रही है, परक्यूसेट्स मिल रहे हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, तो एम्प्लॉय के लिए वो सारे सैलरी हेड में आ जाती है। रेंटल इनकम, यदि इनकम फ्रॉम हाउस, सेकेंड क्या था सोर्स हमारा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, यदि आपके पास जो हाउस प्रॉपर्टीज है, यदि आप खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वो उसमें तो आपको किराया रेंटल इनकम नहीं होगी, लेकिन आपका जैसे कि हो सकता है आपने उसके ऊपर लोन लिया है, तो उस लोन के ऊपर क्या होती है, आपका जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं वो इंटरेस्ट की छूट आपको, मतलब जो लॉस, वो इंटरेस्ट जो पे करते हो तो लॉस हो गया, रेंट की इनकम तो नहीं होगी, लेकिन वो जो लॉस हो गया वो लॉस भी इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। इसी तरह यदि कोई प्रॉपर्टी आपने किराए पे दी है तो उसकी रेंटल इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है, रेंटल इनकम इनकम में आ जाएगी। उसमें से यदि उस हाउस को के ऊपर भी लोन है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम है उसमें से हम क्या करेंगे, उसके लॉसेस को, यानी कि जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को घटा देंगे। तो इस तरह से अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, यदि मान लीजिए कि सिर्फ एक ही मकान है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आपकी सिर्फ लॉस आएगा, तो उस लॉस को क्या होगा, तो लॉस जो है यदि आपकी जो दूसरी इनकम है उससे सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब दूसरी इनकम आपकी कम हो जाएगी, इनकम कम यानी टैक्स कम। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी इनकम या लॉसेस आएंगे। उसके बाद जो होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, जो भी आप बिजनेस या प्रोफेशन चलाते हैं उससे जो प्रॉफिट आता है आपके, जैसे ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट को और में से सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो प्रॉफिट और गेन आता है वो इस टैक्स हेड में टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अच्छा ध्यान रखिए, कैपिटल गेन मतलब कैपिटल लॉस, बिजनेस और प्रोफेशन गेन मतलब कि लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये सब साथ में चलेंगे। अब कैपिटल गेन में क्या होता है कि कोई कैपिटल असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट्स, ये सब जो अगर आप बेचते हैं तो टैक्सेबल होते, काई में आते कैपिटल गेन, मतलब इनसे जो होने वाला प्रॉफिट होता है सेल परचेस से, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची उसमें से सेल और परचेस प्राइस को माइनस करके आपको जो प्रॉफिट हुआ होगा वो कहलाता है कैपिटल गेन, और लॉस हुआ होगा कैपिटल लॉस। तो ये किस में आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। जो लास्ट हेड होता है, जो भी इनकम इसमें कवर नहीं होती, ऐसा नहीं कि आप बच गए, फिर बाकी जो बची हुई इनकम है वो किस में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि आपकी डिविडेंड इनकम हो गई, यदि आपने कोई एफडी करवाई उसकी इंटरेस्ट की इनकम हो गई है, कोई कमीशन इनकम है, तो ये सारी जो जितनी भी इनकम बच जाती है, इनकम फ्रॉम विनिंग हॉर्स रेसेस, ये सब किस में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी। तो इस तरह से आपको इनकम को अलग अलग हेड में बांटना होता है। चलिए अब उसके बाद इनकम को हमने पांच हेड में अलग अलग दिखा दिया, उसके बाद हमको करना है कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड। तो अलग अलग हेड हमने पांचों बताए, अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीमिंग प्रोविजन एंड प्रोवाइडिंग फॉर परमिशेबल डिडक्शन एग्जम्पशन देयर अंडर। अब इसमें भी क्या करना है, आपने हेड वाइज आपने ये तो देख लिया कि ये सैलरी में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। अब सब हेड की आपको क्या करना है, उसमें आपको यदि कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन मिली हुई है तो उसको आपको उसमें से माइनस करना होगा। एग्जम्पशन डिडक्शन मतलब जैसे बिजनेस वाले के लिए मैंने अभी कहा, बिजनेस मैन है तो क्या करेगा, ग्रॉस रिसीप्ट में से अपने सारी जो भी एक्सपेंसेस है वो डिडक्ट करेगा और प्रॉफिट निकालेगा। या फिर यदि सैलरीड है तो सैलरी के केस में क्या होता है कि उनको एचआरए की एग्जम्पशन मिल जाती है, और भी कोई अलाउंसेस है उनकी, बहुत सारे अलाउंसेस की छूट मिल जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको आपको भी हाउस प्रॉपर्टी में भी 30, यदि आपकी रेंटल इनकम है तो 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो ये जितनी भी उससे रहता है डिडक्शन और एग्जम्पशन। अच्छा, ये जब हम ITR फाइल करना सीखेंगे या फिर जब मेरे को हेड वाइज जो आपका डिटेल वीडियो में अलग से आपको पांचों हेड की, ये जितने भी पांचों हेड है ना, इनकी इनकम हमको कैसे निकालनी है, ये मैं डिटेल में आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सब कुछ कर दिया तो वीडियो हो जाएगा। तो हमको क्या समझना है अभी कि पांचों हेड जो है उनमें की इनकम को हम उनसे रिलेटेड सारे एग्जम्पशन डिडक्शन को हमको माइनस करके जो फाइनल इनकम या लॉस आता है वो हमको लेना होता है।
फिर उसके बाद आपको अप्लाई क्लबिंग प्रोविजन। क्लबिंग प्रोविजन क्या होता है कि दूसरों की इनकम आपकी इनकम में क्लब की जाती है, मतलब आपको उस इनकम पर भी टैक्स देना होता है, वो आपकी इनकम के साथ जोड़ दी जाती है। जैसे कि आपका कोई बेटा है, आपने उसके नाम पे एफडी की हुई है लेकिन वो माइनर है, तो अब वो किसके और उसके जो एफडी पे इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट आपकी इनकम में क्लब होगा। तो इसी तरह से क्लबिंग प्रोविजन है। अच्छा, क्लबिंग प्रोविजन के ऊपर भी इनकम टैक्स का हर टॉपिक जो है वो अपने आप में काफी डिटेल में समझना जरूरी होता है, तो मैं कोशिश करूंगी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके ऊपर एक अलग से वीडियो में बना दूं। तो क्लबिंग मतलब दूसरों की जो इनकम है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर की है, इसीलिए ट्रांसफर की कि आपको टैक्स से बचा जा सके, लेकिन आप टैक्स से नहीं बच पाएंगे यदि उस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम या कोई भी इनकम होती है, तो वो आपके इसमें क्लब हो जाएगी। तो क्लबिंग प्रोविजन को हम अलग से समझेंगे। फिर जो हमारी इनकम तो हमने कैलकुलेट कर ली, उसमें फिर हम क्लबिंग क्लब की कोई इनकम क्लब होनी है तो वो भी इनकम हमको ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि इनकम के साथ साथ लॉस भी इंक्लूड होता है। अब मान लीजिए कि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चाहिए, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ गया, लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन आ गया, तो उस स्थिति में क्या होता है कि यदि जो दूसरे सोर्सेज से आपकी दूसरे मतलब जैसे मान लो कि सैलरी इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, तो हम क्या करेंगे, जो सैलरी इनकम है उसमें से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को घटा देंगे, तो आपका जो सैलरी की इनकम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एक सोर्स से दूसरे सोर्स के लॉसेस को माइनस किया जाता है। जरूरी नहीं कि हर इनकम को, उसमें भी कुछ बहुत सारे रूल्स हैं कि जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी और ये है, ये आप किसी से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कैपिटल गेन है या इनको आपस में जितनी भी इनकम है सबको सेट ऑफ किया जाता है। और ये और तो और यदि इस साल आपका लॉस फिर भी आपका सारा सेट ऑफ करने के बाद लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को हम आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब आने वाले सालों में भी हम इनकम जो होगी नेक्स्ट ईयर में आने वाले सालों में, उसमें हम उसको लॉस को एडजस्ट करके हम हमारी इनकम को कम कर देंगे। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड वगैरह करके जो फिर जो इनकम आपकी आती है सारे कैरी फॉरवर्ड, या जो हो सकता है कि पिछले साल के जो लॉसेस थे उन लॉसेस का ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, तो लॉसेस से आप अपनी इनकम एडजस्ट करके जो फाइनल इनकम आती है वो कहलाती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। अब क्या आ गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको लेस डिडक्शन करनी होती है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है कि 80C से 80U, ये तो लगभग सभी ने सुना होता है, 80C से सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की जो डिडक्शन होती है वो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम जो है ना, सभी सोर्सेस से मिलाकर इनकम आई यहाँ पे, जो ग्रॉस टोटल इनकम है उस इनकम में को कम करती है। अच्छा, एग्जम्पशन, और जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था एग्जम्पशन, मैंने बताया था एचआर एग्जम्पशन होता है, एग्जम्पशन क्या होती है, एग्जम्प्ट इनकम क्या होती है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, और डिडक्शन, इनमें बहुत से डिफरेंस नहीं कर पाते। डिडक्शन जो होती है वो क्या होती है, कुछ आपने पेमेंट किए हैं उन पेमेंट की आपको डिडक्शन मिलती है, कि आपकी टोटल इनकम को वो ग्रॉस टोटल इनकम को वो जो डिडक्शन है कम कर दे, जैसे 80C से 80U, 80C से मतलब 80C में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई LIC का पेमेंट किया है, कोई 5 साल से ज्यादा की FD ली है, या फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोन लिया है उसके प्रिंसिपल अमाउंट है, बच्चों की ट्यूशन फी है, या फिर 80D में देखा जाए तो आपकी हेल्थ के लिए आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसकी जो प्रीमियम पे करते हैं उसकी छूट मिलती है। तो इस तरह से 80C से 80U तक की आपकी बहुत सारी डिडक्शन है जो आप लेकर अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को कम कर सकते हैं। जब इनकम कम होती है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टैक्स भी कम आएगा तो आपका टैक्स बचा सकते हैं। तो ये सारी उस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपकी डिडक्शन कम होती है। अच्छा, हमें बताई थी एग्जम्पशन। एग्जम्पशन में क्या होता है कि इनकम ही पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाती है, वो हमारी इनकम में इंक्लूड ही नहीं होती, हम हटा देते हैं। जैसे कि हमने एचआरए का एग्जांपल दिया था, ऐसे ही होता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है तो एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड नहीं होती है। यदि आपको कोई अभी मैं आगे आपको बताऊंगी भी से कि एग्जम्प्ट इनकम कौन कौन सी होती है।
ठीक है, अब एग्जम्प्ट इनकम और डिडक्शन को हम अभी समझेंगे। अब जो डिडक्शन जो 80C से 80 सारी डिडक्शन करने के बाद जो इनकम आती वो होती टोटल इनकम या कहे टैक्सेबल इनकम। अब आपको जो टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, इस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि टोटल इनकम निकाल ली। अब टोटल इनकम के बाद क्या होता है वो हम समझते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस हमने समझ लिया, टोटल इनकम के बाद आता है हमारा टैक्स। अब देखिए मैंने दो चीज आपके उस समय रह गई थी, एक एग्जम्पशन और एक 80C से 80U तक की डिडक्शन। एग्जम्पशन क्या होती है ये भी सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, इसकी भी बहुत लंबी लिस्ट होती है। सेक्शन 10 के अंतर्गत एग्जम्पशन आती है इनकम में, जो उसमें बताया जाता है कि कौन सी कुछ चीजें तो ऐसी है एग्जम्प्ट इनकम जो कि पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, कुछ क्या है कुछ एक उसमें लिमिटेशन लगा दिया जाता है, मतलब पूरी तरह से वो एग्जम्प्ट नहीं होती है। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जम्प्ट होती है यदि HUF से जो इनकम होती है, जैसे HUF में मैंने आपको बताया था HUF में क्या होता है मेंबर्स अलग होते हैं और HUF अलग होता है, तो HUF का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा कहाँ, वो इनके इंडिविजुअल उनके मेंबर्स को ही मिलेगा, तो उस HUF का प्रॉफिट HUF के द्वारा टैक्सेबल हो चुका है, उस प्रॉफिट पर टैक्स दे चुके हैं, तो जब वो प्रॉफिट मेंबर्स के हाथ में जाएगा तो वो उनकी इनकम जरूर है लेकिन वो एग्जम्प्ट इनकम है, वो उनके हाथों में टैक्सेबल नहीं हुआ क्योंकि वो HUF के अंदर वो टैक्सेबल है। भले HUF के हाथों में टैक्सेबल ना भी हो वो HUF के लिए एग्जम्प्ट इनकम ही क्यों ना हो, तब भी जब वो उनके मेंबर्स के हाथ में जाएगा तो वो क्या होगा टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जम्प्ट इनकम होगी। इसी तरह यदि पार्टनरशिप फर्म है तो उससे जो आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है वो प्रॉफिट भी आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता है। ट्रेवल कंसेशन है, गवर्नमेंट कोई अलाउंसेस परक्यूशर्स देती है एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया सर्व करने के लिए, या स्टेचरी प्रोविडेंट फंड रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन इज टर्मिनेशन फ्रॉम द कंपनी आर फर्म विल बी एग्जम्प्टेड। ये सैलरीड एम्प्लॉय आर एंटाइटल टू रिसीव द अलाउंसेज ऑन रेंट, ये हाउस रेंट HRA जो हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, तो हाउस रेंट अलाउंस भी क्या होता है वो एक लिमिट तक उसकी भी एक पूरा फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा निकाला जाता है और वो HRA जो होता है एग्जम्प्ट। इस तरह से जो कुछ इनकम होती है जो कि सेक्शन 10 के अंतर्गत आती है और वो एग्जम्प्ट होती है, तो इनको यदि जैसे आपने यदि इनकम में इंक्लूड कर लिया था तो इनकम से हमको हटानी पड़ती है या फिर हम उनको लेते ही नहीं है। तो ये सब कहा है एग्जम्प्टेड इनकम, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें एग्जम्प्टेड इनकम का भी एक शेड्यूल होता है, उसमें आपको ये इनकम बतानी होती है कि ये इनकम एग्जम्प्टेड है, और ये एग्जम्प्टेड होती है वो आपको फिर अपने को रिटर्न में उसमें जो सोर्सेज की इनकम है उसमें आपको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो एग्जम्प्टेड वाले जो शेड्यूल है उसमें आपको देना होती है। डिडक्शन 80C से 80U तक की जो होती है वो अलग अलग होती है, जैसे मैंने बताया था 80C में इन्वेस्टमेंट की होती है, 80D में होती है अगर कोई LIC प्रीमियम आपने लिया है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे कर रहे हैं उसके लिए होती है, 80U की बात करें तो 80U में क्या होती है कि कोई विकलांग है उसको 50,000 रुपये तक 75,000 रुपये तक की जो डिडक्शन मिलती है, या फिर 80G यदि आपने कोई डोनेशन दिया है तो उस अमाउंट की डिडक्शन मिलती है। तो 80C से 80U को भी मैंने डिटेल में समझाया, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वो भी जरूर देख लें। चलिए अब हम इसके पहले समझते हैं कि हमने टोटल इनकम तो निकाल ली लेकिन उस इनकम का अब क्या करना है, उस इनकम के ऊपर आपको क्या करना होता है रेट्स ऑफ टैक्स ऑन द टोटल। टोटल इनकम के ऊपर आपको एक टैक्स रेट दी होती है, उस रेट से उस एक स्लेब होती है पूरी, जो टैक्स रेट होती है ना स्लेब, मतलब कि आपको एक इनकम टैक्स स्लेब दी जाती है कि इतनी इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, इतनी इनकम से इतनी इनकम पर आपको इतने परसेंट देना, ये सब क्या होती है टैक्स स्लेब कहलाती, तो उस टैक्स स्लेब के हिसाब से आपको उस टोटल इनकम पर टैक्स निकालना होता है। और ये जो अलग अलग असेसी के ऊपर अलग अलग जो है रेट ऑफ टैक्स होती हैं वो हम सब देखेंगे अभी, और HUF और इंडिविजुअल को एक ऑप्शन भी दिया जा रहा है। ये अच्छा ये चेंजेस होती रहती है टैक्स रेट जो है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा यही लेके चलेंगे, आपको हर साल देखना पड़ेगा। जैसे अभी की बात करें तो एक HUF और इंडिविजुअल को एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो अपनी टैक्स रेट एक सेक्शन 115BAC के अंतर्गत कि वो उनके लिए दो टैक्स स्लेब होती है, वो भी अभी हम आगे समझते हैं, उन दोनों में से वो कोई सी भी एक टैक्स स्लेब को ले सकते हैं।
तो ये टैक्स स्लैब से क्या करते हैं हम, जो टोटल इनकम है उसके ऊपर टैक्स रेट को अप्लाई करके इनकम टैक्स निकालते हैं, और उससे हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है। कुछ इनकम ऐसी स्पेशल इनकम होती है, जैसे कि कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन पे स्पेशल रेट लागू होती है। मतलब इन पे जो मैं टैक्स स्लैब अब बताऊंगी वो लागू नहीं होती, स्पेशल रेट लागू होती है। और ये स्पेशल रेट होती भी कहाँ है, इनकम टैक्स एक्ट में ही होती है। जैसे ये बाकी जो इनकम टैक्स स्लैब है हर साल जो आप देखते होंगे बजट में आती है, आपको ध्यान हो तो बजट में बोलते हैं कि इतनी इनकम एग्जम्प्ट हो गई वो हो गई, तो ये सब जो है वो एनुअल फाइनेंस एक्ट में आती है टैक्स रेट। लेकिन जो स्पेशल रेट होती है वो इनकम टैक्स एक्ट में ही होती है। जैसे कि स्पेशल रेट मतलब उनके ऊपर ये टैक्स स्लिप लागू नहीं होती। जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15% से टैक्सेबल होगा, कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 10% से टैक्सेबल होंगे, लॉटरीज की जो इनकम है वो 30% से टैक्सेबल होगी, तो कुछ स्पेशल रेट से टैक्सेबल होते हैं। अब हम टैक्स स्लिप को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो वाली टैक्स स्लिप बता रही हूं मैं ऊपर वाली, ये है, ये एप्लीकेबल होती है HUF पर, NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन पर, और रेसिडेंट इंडियंस पे। रेसिडेंट इंडियंस पे लागू होती है उनके ऊपर जिनकी एज 60 ईयर से कम है, उनके ऊपर ये वाली जो आप देख रहे हैं टैक्स स्लिप है वो लागू होती है। क्या होती है, अप टू 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट। मतलब यदि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख आ जाती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, वो एग्जम्प्ट होगी। अच्छा, यदि 2.5 लाख तक की इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करना होता है। यदि 2.5 लाख से कम आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। फिर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आपकी यदि इनकम आती है, मतलब यदि आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो 2.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट होगी, फिर वो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम 5% से टैक्सेबल होगी। अब मान लीजिए कि 4 लाख इनकम आई है तो उसमें से 2.5 लाख घटा देंगे, उसके जो ऊपर की इनकम है वो किस रेट से होगी, 5% से टैक्सेबल होगी। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम जो है वो 20% से टैक्सेबल है, और 10 लाख रुपए से ऊपर की जो इनकम होगी वो 30% से टैक्सेबल होगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी 11 लाख की इनकम है तो 11 लाख पे 2.5 लाख तक तो हमको कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 से 5 लाख तक पे हमको 5%, 5 से 10 लाख पे हमको 20%, और जो बचा 1 लाख है उस पे हमको 30% से टैक्स देना होगा। ये टैक्स हमने किसके लिए देखी थी, HUF, NRI और इंडियंस, रेसिडेंट इंडियंस पे लागू होती है जिनकी एज 60 ईयर से कम हो। और जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, मतलब वो क्या कहलाएंगे, 60 से ज्यादा लेकिन 80 से कम है, तो वो सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। और उनके ऊपर जो एग्जम्पशन लिमिट है, टैक्स स्लिप तो यही रहेगी लेकिन उनकी एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख हो जाएगी, मतलब उनको 3 लाख तक उनकी एग्जम्पशन है, उनको इनकम टैक्स नहीं देना है, और 3 लाख से 5 लाख पे 5% हो जाएगा। मतलब ये जो 2.5 लाख से था वो उनके लिए क्या हो जाएगा, 3 लाख से 5 लाख 5%, और फिर बाद में ऐसे ही इसमें टैक्स स्लिप लागू होगी। ऐसे यदि 80 साल से ज्यादा है तो वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और उनके लिए जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 5 लाख है। मतलब एक एग्जम्पशन लिमिट क्या हो गई, 2.5 लाख, दूसरी हुई 3 लाख, और तीसरी है 5 लाख। 5 लाख के केस में क्या होगा, यहाँ 5 लाख तक तो आपको उनकी सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन उनकी एग्जम्प्ट ही रहेगी, उनकी सीधी कौन सी टैक्स स्लैब आ जाएगी, 20% वाली, ठीक है। और एग्जम्पशन लिमिट जो होती है, एग्जम्पशन लिमिट कौन सी, जो एग्जम्प्ट होती है जैसे 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो ये इनको रिटर्न भी, अगर इतनी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल और HUF के केस में तो उनको एक सेक्शन 115 BAC में 2 टैक्स रिजीम दिए, मतलब 2 टैक्स स्लैब बताई बनाई गई है, वो दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं और उसके हिसाब से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अब जो नया टैक्स रिजीम है उसमें एज वाइज, पहली बात तो उसमें एज के हिसाब से अलग नहीं किया गया, उसमें केवल एक ही, अभी जो हमने देखा था ये ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से था, अब जो ये देख रहे हो नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से। और ये किस पे लागू होती है, इंडिविजुअल और HUF के लिए ही अवेलेबल है, और किसी के लिए अवेलेबल ये नहीं है।
तो ये नई टैक्स रिजिम में इसमें क्या होता है? अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो ओल्ड टैक्स है ना, इसके अंदर आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट बहुत, जैसे मैंने बताया था 80C से 80 तक की डिडक्शन मिलेगी, HRA की एग्जम्पशन मिल जाती है, और भी बहुत सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन होती है, तो वो सबका बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है। इसमें टैक्स रेट ज्यादा है पर आपको डिडक्शन के बेनिफिट है। नए टैक्स सिस्टम में क्या हो रहा है कि इसमें टैक्स रेट तो कम है लेकिन आपको जो डिडक्शन के बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम डिडक्शन के बेनिफिट मिलते हैं। तो ऐसे में आपको ये कैलकुलेट करने के दे, अच्छा ये कैलकुलेट करने के भी सब कैलकुलेटर है, आप इजीली उससे कर सकते हैं। तो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, मतलब नया न्यू रिजिम अच्छा है या ओल्ड अच्छा है, फिर उससे आपको यदि आपके उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा ऑप्ट करना है। नए टैक्स में क्या है, 2.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट है, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, और 12.5 से 15 लाख 25%, और 15 लाख से ऊपर 30%। अब फर्म की बात करते हैं, फर्म में क्या टैक्स रेट होती है, फर्म है, LLP है या लोकल अथॉरिटी है, उनके ऊपर 30% से टैक्स रेट होती है। इनके ऊपर टैक्स स्लैब नहीं है, इनको टैक्स जो भी प्रॉफिट आया है उसके ऊपर 30% से उनको टैक्स देना ही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो टोटल इनकम यदि 10,000 तक है तो 10%, और 10,000 से 20,000 है तो 20%, और अबोव 20,000 है तो 30%। अच्छा, ये जो टैक्स रेट बता रहे किस पे लागू होगी, टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम के इतना परसेंट आपको टैक्स दे निकालना है। कंपनी की बात करें तो डोमेस्टिक कंपनी है और जिसका 400 करोड़ या उससे कम का टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट है तो 25% से उसके ऊपर टैक्स लगेगा प्रॉफिट के ऊपर। और इसके अलावा यानी 400 करोड़ से ज्यादा का यदि टर्नओवर है तो इसके अलावा जो डोमेस्टिक कंपनी उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा, और फॉरेन कंपनी है तो 40% की दर से आपको टैक्स पे करना होता है। ये अब क्या करा हमने, पहले टोटल इनकम निकाली, फिर टोटल इनकम पर हमने इनकम टैक्स निकाल लिया, जो टैक्स स्लैब हमने देख ली। इनकम टैक्स निकालने के बाद उस इनकम टैक्स पे एक सरचार्ज और लगाया जाता है। ये सरचार्ज किसके, टैक्स जो था वो इनकम के ऊपर निकाला जाता है, इनकम का 10%, इनकम का 20%, इनकम का 30%। अब सरचार्ज निकालते, सरचार्ज किसके निकाला जाता है, जो टैक्स अमाउंट आपने निकाली है ना उस टैक्स अमाउंट पे भी आपको सरचार्ज निकाला जाता है। इसकी भी अलग अलग स्लेब है, जैसे इंडिविजुअल HUF AOP की अगर हम बात करते हैं, AOP BY या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन की बात करें तो 50 लाख से 1 करोड़ यदि आपकी इनकम है, अच्छा देखनी क्या है आपको, रेंज आप इनकम देखनी, यदि आपकी टोटल इनकम यदि 50 लाख से 1 करोड़ में है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ में 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% आपको सरचार्ज लगेगा। ये किस पे लागू हो रहा है, इंडिविजुअल HUF AOP BY आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इसमें लेकिन AOP जिनमें कंपनी मेंबर है उनके ऊपर ये सरचार्ज लागू नहीं होगा, उनके ऊपर दूसरी रेट लागू होगी सरचार्ज की। अच्छा, तो इसके लिए हमको सरचार्ज के लिए देखना क्या है, ये जो हम बता रहे हैं, जो रेंज बता रहे हैं वो क्या, किस क्या देखनी, टोटल इनकम, टोटल इनकम यदि आपकी ये आती है तो आपको इतने परसेंट से सरचार्ज देना, और ये परसेंटेज अप्लाई किस पे होंगे, टैक्स अमाउंट जो निकल रही है उस पे सरचार्ज लगेगा। AOP के केस में सरचार्ज क्या होता है, 50 लाख से ज्यादा, अच्छा यहाँ पे भी ऐसा ही था, 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ था, ऐसा ही इसमें भी 50 लाख से ज्यादा है, मतलब 50 लाख तक आप, इसमें क्या था 50 लाख तक हमको सरचार्ज नहीं लगता है, 50 लाख से ज्यादा होने पर आपको सरचार्ज लगता है। ऐसे ही AOP जहां पर की कंपनी मेंबर है उसमें 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो 10% सरचार्ज लगेगा, यदि टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% सरचार्ज लगेगा। फर्म की बात करें, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या लोकल अथॉरिटी की बात करें तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा यदि टोटल इनकम होती है तो फिर 12% से आपको सरचार्ज लगेगा। अच्छा, ये सारे टैक्स रेट या सरचार्ज चेंज होते रहते हैं, अभी जो एप्लीकेबल है वो मैं बता रही हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम है तो 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% आपको सरचार्ज लगेगा। यदि डोमेस्टिक कंपनी है तो 1 करोड़ से ज्यादा
टोटल इनकम होती, लेकिन 10 करोड़ तक उसको 7%, या फिर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। फॉरेन कंपनी है तो 1 करोड़ से 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा यदि टोटल इनकम है 10 करोड़ तक 2% और 10 करोड़ से ज्यादा पे 5%। तो इस तरह से आपको पहले टोटल इनकम ने निकाली, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे, फिर टैक्स के बाद जो अभी सरचार्ज की जो रेट देखी है, रेट उस टैक्स के ऊपर, जैसे कि मान लो कि 1 लाख रुपए आपका टैक्स बना है, तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 5%, 2% जो भी आपके सरचार्ज की रेट है उससे टैक्स के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाली, हमारी टैक्स रेट, टैक्स ये जो जितना भी हमने निकाला ये क्या सब था, हमारा टैक्स था। इसके बाद क्या होता है, ये टैक्स की अमाउंट आ गई आपकी, उसके बाद आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट ऑफ अप टू 12,500 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी इनकम, यदि उनकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, टोटल इनकम वही जो अभी हमने समझा था ना, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, इन सबको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। टोटल इनकम कौन सी, जो डिडक्शन के बाद आती थी, ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन, डिडक्शन के बाद टोटल इनकम जो आती थी, यदि वो टोटल इनकम आपकी 5 लाख रुपए तक है तो आपको 12,500 रुपए अंडर सेक्शन 87A में रिबेट मिलती है। रिबेट का मतलब ये होता है कि यदि आपकी टैक्स लाइबिलिटी 12,500 बनी तो आपको पूरे 12,500 तक की आपको रिबेट मिल जाएगी और आपका जो टैक्स पेबल है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन मान लो आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 ही बनी है और आपकी टोटल इनकम, अच्छा इसमें जरूरी है कि ये फायदा सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी इनकम 5 लाख तक है उनको ही मिलेगा टोटल इनकम। तो अब मान लो कि आपकी इनकम 4 लाख की थी, आपको टैक्स कम बना, आपका मान लीजिए कि 10,000 रुपये टैक्स बना, तो फिर रिबेट आपको कितने मिलेगी, 10,000 रुपये, आपको कोई टैक्स नहीं देना, मैक्सिमम रिबेट आपकी 12,500 तक ही हो सकती है। अब रिबेट घटाने के बाद जो टैक्स लाइबिलिटी आती है उसमें भी आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना होता है, वो कितना जुड़ेगा, 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। यदि आपने इनकम टैक्स लिया उसके ऊपर यदि आप सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, सरचार्ज आपने देखा 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर की टोटल इनकम होने पर ही एप्लीकेबल होता है, यदि सरचार्ज एप्लीकेबल होता है तो उस इनकम टैक्स और सरचार्ज को जोड़ के, इनकम टैक्स और सरचार्ज को जोड़ेंगे और उस अमाउंट पे 4% आपको और जोड़ना होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। तो और अब जो फाइनल आपकी जो अमाउंट आएगी ना 4% ये जोड़ने के बाद, अच्छा 4% कंपलसरी है सभी को जोड़ना है, तो 4% जोड़ने के बाद, अच्छा सरचार्ज अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, तो फिर टैक्स में डायरेक्ट 4% जुड़ जाएगा, सरचार्ज है तो टैक्स प्लस सरचार्ज की अमाउंट पे 4% जोड़ेंगे, तो जो फाइनल लाइबिलिटी आएगी वो होगी आपकी टैक्स पेबल, टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन जाएगी। टैक्स लाइबिलिटी बन गई है, अब उसमें से भी आपको क्या होता है कि अब देखना है कि अब जैसे मान लो कि आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आई 10,000 रुपए, तो क्या पूरा 10,000 रुपए आपको टैक्स देना है, तो उसमें से यदि आपने एडवांस टैक्स और टीडीएस को भी हमको समझना जरूरी होगा। अब आप देखेंगे एडवांस टैक्स और टैक्स डिडक्टेड, एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है कि वैसे तो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर हमको असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होता है, यानी कि लास्ट ईयर की इनकम पर नेक्स्ट ईयर में इनकम अगले साल हम टैक्स देते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में क्या होता है कि लोग अपनी इनकम को जो है बताते ही नहीं है, पूरी इनकम नहीं बताते, इनकम छुपाते, तो इसलिए इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स में ऐसे प्रोविजन लाए गए हैं कि आप कुछ जगह पे आपको अपनी इनकम पहले ही असेस करके आपको एडवांस टैक्स पे करना, एडवांस टैक्स मतलब आपको प्रीवियस ईयर में ही थोड़ा थोड़ा आपको इंस्टॉलमेंट में, आपको उसमें एक स्लेब रहती है पूरी, उस हिसाब से आपको हर 3 महीने में आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट, क्वार्टरली एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर में ही अपनी, आपको पूरे प्रीवियस ईयर की, जैसे कि आपको, आपको लगता है कि नहीं इस साल 10 लाख का प्रॉफिट होगा, तो उस 10 लाख पे आपको टैक्स निकाल के आपको उस टैक्स का पेमेंट, आपको क्वार्टरली आपको उस पेमेंट आपको एडवांस टैक्स के रूप में आपको करते रहना पड़ता है। एडवांस टैक्स भी क्या है, आपके इनकम टैक्स जो पेबल हम निकाल रहे हैं ना उसका हिस्सा ही है, पर ये टैक्स आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में देना होता है जिस ईयर में आप इनकम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पे एज यू अर्न, मतलब जब आप अर्न कर रहे हैं तभी आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। जैसे कि इन द केस ऑफ सैलरी टैक्स पे, टैक्स ऑन सैलरी इज डिडक्टेड एंड पेड बाय द एम्प्लॉयर, सो द एडवांस टैक्स वुड बी पेबल ओनली इफ दे हैव
एनी अदर सैलरी के केस में क्या होता है कि सैलरी के केस में उस टीडीएस लिया जाता है। टीडीएस को अब मैं आगे बताऊंगी। तो सैलरी के ऊपर एडवांस टैक्स लागू नहीं होता, लेकिन इसके अलावा सैलरी के अलावा एडवांस टैक्स लागू होता है। और इसके लिए जरूरी कि यदि फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स लाइबिलिटी है आपकी 10,000 या उससे ज्यादा बन रही है, मतलब टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर कंसिडरिंग टीडीएस और टैक्स रिलीफ, आपको टीडीएस और टैक्स रिलीफ घटाने के बाद यदि टैक्स लाइबिलिटी आपकी 10,000 या उससे ज्यादा बनती है तो आपको एडवांस टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ जाएगा। ये होता है एडवांस टैक्स। अब हम समझ ले टीडीएस क्या होता है। अच्छा ये क्या बता रही हूँ मैं, टैक्सेस की, ये इसलिए बता रही हूँ कि जो आपका टैक्स पेबल तो आपने निकाल लिया, उस टैक्स पेबल को में से भी आपको अलग अलग टाइप्स के टैक्स अलग अलग तरह के होते हैं, आप अलग अलग पेमेंट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक होता है एडवांस टैक्स जो हम उसी साल आपको पेमेंट करना होता है, एक होता है टीडीएस जैसे मैंने अभी सैलरी पे बताया। ऐसे इनकम टैक्स में क्या होता है, पूरी लिस्ट दी हुई है टीडीएस की कि उस पर आपको इतने परसेंट से गवर्नमेंट ने क्या होता है, ये सब टैक्स चोरी के लिए बनाए गए हैं कि सोर्सेज जहां पर आपकी इनकम का टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड। अभी हमने जो एडवांस टैक्स देखा था ना, ये एडवांस टैक्स तो आपको खुद को असेस इनकम असेस करके आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है, लेकिन टीडीएस जो होता है वो क्या होता है सोर्स ऑफ इनकम, जहां से इनकम जनरेट होती है ना वहीं पे गवर्नमेंट ने बोल दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बोल दिया गया कि आप इनकम देने वालों को ही उस अमाउंट पे टैक्स की अमाउंट डिडक्ट करके बची हुई अमाउंट आपको देना है, और वो क्या कहलाता है टैक्स डिडक्टेड टीडीएस। तो ये जैसे कि हम सैलरी का एग्जांपल लें, सैलरी होती है तो एम्प्लॉयर के ऊपर ही लाइबिलिटी है कि वो अपने उस सैलरी के ऊपर मंथली टीडीएस करता जाता है और उस टीडीएस की अमाउंट वो अपने पास नहीं रखता, टीडीएस की अमाउंट क्या करेगा गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा और फिर जो बचा हुआ पैसा है वो किसको दे देगा, अपने एम्प्लॉय को दे देगा। तो इस तरह से ये क्या होती है कि टैक्स चोरी की संभावना खत्म हो जाती है। इसी तरह कमीशन इंटरेस्ट है, आपने एफडी करवाई है, एफडी पे इंटरेस्ट हुआ है तो इंटरेस्ट की इनकम पे भी बैंक के द्वारा ही टीडीएस कर लिया जाएगा और उस टीडीएस को काट के जो बचा हुआ पैसा है वो आपको दे दिया जाएगा और टीडीएस की अमाउंट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो ये टीडीएस भी एक तरह से आपका इनकम टैक्स ही है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो टैक्स होता है जिस जब हम क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते तो हमको पता चलता है कि अभी हमारी टैक्स लाइबिलिटी इतनी और बची है, मतलब कि जैसे 1,00,000 रुपए टैक्स पेबल आया उसमें से एडवांस टैक्स यदि आप दे चुके हैं तो वो हम माइनस कर देंगे। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस आपका आपका इनकम टैक्स ही है जो कि बस शुरू में ले लिया जाता है। एडवांस टैक्स क्या है, वो भी इनकम टैक्स ही है लेकिन जो शुरू में हम पे करते जाते हैं। तो ये जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी जो बनती है ना, उस फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में से ये अमाउंट हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो उस टैक्स लाइबिलिटी में से जो हमने निकाली थी उस टैक्स लाइबिलिटी में से टीडीएस और एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उसकी हम क्या कर लेते हैं उसको क्लेम कर लेते हैं। और फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी जो बचा हुआ टैक्स जो रहता है ना वो हम असेस करके खुद ही हम इनकम टैक्स का पेमेंट कर देते हैं। तो वो अच्छा ये आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स कभी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप रिटर्न फाइल करते वक्त ही करें, लेकिन हाँ रिटर्न फाइल करने से पहले आपको करना होता है। तो जो आप अपनी इच्छा से आप खुद इनकम असेस करके टैक्स पे कर देते हैं वो कहलाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अगर ऐसे ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी आप पहले ही पे कर चुके हैं तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब आप उस टैक्स लाइबिलिटी में से आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस करना होगा। फिर होता है टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट, ये सेम सेल्फ असेसमेंट टैक्स जैसे ही होता है लेकिन इसमें क्या होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिमांड निकाली जाती है कि आपको इतना टैक्स देना है। आदि कोई हो सकता है आपके ऊपर केस चल रहा हो, आपने आपकी आपने इनकम नहीं बताई लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी कोई इनकम निकाली है तो उस केस में क्या होता है वो आपको नोटिस देंगे और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे टैक्स भरेंगे। तो वो कहलाता है टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट या फिर यदि स्क्रूटनी के दौरान होता है तो स्क्रूटनी असेसमेंट। तो ये जो जितने भी टैक्स है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो हमने निकाली थी उसमें से माइनस होंगे और उसके बाद जो बची हुई अमाउंट है वो आपको यदि कोई और टैक्स लाइबिलिटी निकलती है तो वो आपको टैक्स पेबल करना पड़ेगा, मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में आपको पे करना होगा। या फिर यदि हो सकता है कि आपका ज्यादा टीडीएस हो गया, आपने ज्यादा टैक्स भर दिया है तो फिर वो रिफंड के रूप में है और वो रिफंड आपको वापिस जब आपका असेसमेंट हो जाएगा, जब रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा तो आपको रिफंड की अमाउंट आपका जो टैक्स ज्यादा टैक्स था वो आपका वापिस आ जाएगा।
फ्रेंड दोस्तों, अभी भी वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको कवर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे टॉपिक है जिनके लिए हमको डिटेल वीडियो बनाने होंगे, वो हम वीडियो में बनाऊंगी, वो आप देखेंगे तो आपके धीरे धीरे आपके डाउट्स जो है क्लियर होते जाएंगे। रिटर्न कैसे फाइल करना है, इन सब पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। मैंने आपको बोला था कि ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, अब आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना खुद को आपको नहीं कैलकुलेट करना है, इसके लिए बहुत ही ईजी तरीका है, वो भी हम देख लेते हैं कि वो तरीका क्या है। तो इसके लिए मैंने एक लिंक आपको नीचे दूंगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, उस लिंक पर आप जो क्लिक, अच्छा ये लिंक भी ऑफिशियल वेबसाइट, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, तो उस पे जाके आप इजीली अपना इनकम टैक्स, टोटल इनकम और टैक्स निकाल सकते हैं। तो उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको सिंपल से आपको पूरा कैलकुलेटर दिया हुआ है, जैसे सबसे पहले आपको अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, जैसे आपने यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लिया, फिर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल लेंगे, उसके बाद अच्छा इसको और आप डीप में जाना चाहें तो आप टैक्स टूल्स में जाएं, टैक्स टूल्स में जब आप जाएंगे तो आप यहां पर देखेंगे ऑल इंडिविजुअल, वो आप उसने इंडिविजुअल अपने आप लिया था, आपको यहां पे सिलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, तो इस हिसाब से आपके ऊपर जो जो कैलकुलेटर लागू होते हैं, जैसे मैं इंडिविजुअल लिया तो अब इंडिविजुअल से रिलेटेड कैलकुलेटर यहां पर आ गए हैं। अब इसके बाद हमको क्या लेना है, इनकम और टैक्स कैलकुलेटर, सिर्फ टैक्स निकालना हो तो आप ये टैक्स कैलकुलेटर ले सकते हैं, एडवांस टैक्स निकालना है तो आप एडवांस टैक्स कैलकुलेटर ले सकते हैं, ये आपको एचआरए कैलकुलेट करना है तो आप एचआरए का कैलकुलेट, ये एचआरए वाला कैलकुलेटर ले सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेटर, अब हम क्या लेंगे, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं तो पूरा कैलकुलेटर आ जाता है। अब यहाँ पर आप ले सकते हैं कि आपको कौन से साल की आपको लेना है, उसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे टैक्स पेयर में इंडिविजुअल हमने बाहर सेलेक्ट किया था इसलिए इंडिविजुअल ले लिया, फिर आपको लेना है वो 115 बीएससी न्यू टैक्स रिजिम वाला है जो आपको ऑप्ट करना है नहीं, तो आप दोनों तरीके से देख लिए, एक बार आप यस करके देख ले, एक बार नो करके देख ले, आप मेल फीमेल है वो सिलेक्ट करना है आपको, फिर देन रेसिडेंशियल स्टेटस लेना है आपको, उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी ली आपने, फिर उसके बाद आपको, आपको पास वो सब खुद ही बता जाएगा, शो डिटेल्स में भी आप जरूर क्लिक करके देख ले, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो तो ले ले, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, इस तरह से आप लेंगे सब, डिडक्शन है तो वो आप यहाँ पे बता दें, एग्रीकल्चर इनकम है तो बता दें, तो ये सब आपकी कैलकुलेट करके खुद ही आपको बता देगा कि आपकी इतनी फाइनल लाइबिलिटी आपकी कितनी आई है। देखिए उसने क्या करा, सैलरी में आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी वो भी काउंट कर ली, और आपका टैक्स कितना बना, 27,500 रुपए टैक्स बना है, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई, 28,600 रुपए आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई। तो इस तरह से आप क्या है, अब बहुत ही आसानी से आपने अपनी टोटल इनकम भी निकाल ली, देखिए नेट टैक्सेबल इनकम, ये आपकी टैक्सेबल इनकम भी आ गई, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, कैपिटल गेन डालना करना, बहुत ही इजीली आप इस कैलकुलेटर का यूज करके अपने इनकम और टैक्स निकाल सकते हैं। और जब आप रिटर्न कैसे फाइल करने, इसके भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लें, उसमें तो आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक आपका टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाता है।